चलिए बेहतर बेहतर हो गया जी। हेलो जी, हेलो जी भाई, क्या कहिएगा नास्तिक भाई? क्या कहिएगा? कोई भी मतलब सवाल पूछ सकता हूँ? अब आप आ गए तो पूछे, फरमाइए जी। नहीं मतलब कोई खास सवाल नहीं था, ऐसे छोटे मोटे सवाल थे। क्या है कि जब मैं थोड़ा बहुत ऐसे कुरान को देख सुन रहा था, पढ़ रहा था, और बहुत सारे लोगों ने आजकल एक भ्रांतियां फैला दी है कि कुरान में जो गैर मुस्लिम है उसको मारने के लिए लिखा है, तो आप क्या मतलब इसका कुछ, ये क्या है, ये सही है क्या? आप कुरान देख सुन रहे थे तो कहीं देखा सुना के लिखा हो के जो गैर मुस्लिम जा रहा हो उसको पकड़ के मारो? जैसे उसमें लिखा तो है कि काफिरों को मारना है। किसमें? कुरान में। किस जगह? कहीं पे तो यार एक मिनट, जैसे सुना है कई लोगों के मुंह से सुना है कि काफिरों को जान से मारना है। फोन एन एक्स मुस्लिम की लाइफलाइन दे दे इनको, फोन एन एक्स मुस्लिम। जी जी, अच्छा चले। इस सवाल के अलावा कोई दूसरा सवाल है? असल में ये सवाल जो है वो इतना ज्यादा बोर करने लगा मुझको अब कि अच्छा एकदम जो है कहीं पर लिखा, जैसे मैं क्या बताता हूँ आपको, इस सवाल का जितनी हमारी वीडियोस है ना मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी हैं उससे ज्यादा मरतबा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। तो अब अगर जैसे मैं सुनिए सर, मैं बहुत सारे मौलानाओं से भी मैंने ये सवाल पूछा तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो क्लियर कट जवाब देते हैं, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल लिखा है काफिरों को मारने के लिए लिखा है, लेकिन ये उस समय के लिए था, इस समय के लिए नहीं है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जो मौलाना आपसे ये कहता है कि ये उस समय के लिए था और इस समय के लिए नहीं है, उसको उसको कुछ नहीं पता। Okay, ये आयतें मंसूख नहीं है। हाँ, इनका बैकग्राउंड है, ये आप जरूर कह सकते हैं कि इनका खास बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बगैर आप उस इन आयतों को नहीं समझ सकते। I'm sorry सर, उर्दू में बात ना करें, मेरे को उर्दू नहीं आती। मंसूख मतलब क्या हुआ? सॉरी, एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड तो आपका कहने का मतलब है कि ये आयतें कोई मतलब की इतनी खास मायने नहीं रखती, इनको नलीफाई कर दिया गया है ना? नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि ये एब्रोगेटेड नहीं है। यानी ये जी ये एब्रोगेटेड नहीं है तो मतलब मायने रखती है ना, इसका कुछ ना कुछ मायने रखती है। सूरह 2 आयत नंबर 191 में जैसे लिखा है कि काफिरों को जहां पाऊं मार दो, तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना? हाँ है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो आप क्या ये कहेंगे कि काफिर का मतलब गैर मुस्लिम नहीं है या फिर कुछ और कहेंगे? मतलब काफिर का मतलब गैर मुस्लिम ही है जी। तो मतलब लिखा है ना, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। लिखा है, हम कब इनकार कर रहे हैं इससे? लिखा है मतलब आप उन हिसाब से मार देना चाहिए। कमाल है भाई, लिखा है तो उस पर और मनसूख भी नहीं है तो क्या करें बताएं? अब बताइए आप क्या करें? हम तो मतलब मार देंगे सही में। मुफ्ती साहब एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये क्लिप्स निकलना शुरू हो गया ना, आप बड़े दूर जाएगी। अब आप खेल रहे हैं लेकिन आप बोलिए दूर कर रहे हैं तो कईयों की बोलिए दूर हो जाएगी उनको। देखिए एक बात सुने नास्तिक भाई, आपको यकीन नहीं आया ना कि हम मार देंगे, ये आ गया था। तो आप तो बोल रहे हैं कि मैं मतलब हम अमल करेंगे कुरान भाई, कुल मुसलमान तो यही बोलता है कि हम कुरान पे अमल करेंगे। मैं अगर ये कहूं कि हम अमल करेंगे तो आपका लामहारा सवाल ये होना चाहिए नेचुरली कि अभी तक अमल क्यों नहीं है ना? अभी तक कहां सो रहे हो भाई? आई डोंट केयर अबाउट द एक्शन, मुझे कोई मतलब नहीं है इंसान क्या करता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई रिलीजन क्या कह रहा है। नहीं भाई, आप हमारा जो रिलीजन है उसमें जैसा है वैसा करना भी है, यूनिक बस वैसे ही कह दिया। अब हमें नमाज पढ़ने का हुक्म है कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं। जकात देने का हुक्म है, जकात देते हैं। कुर्बानी करने का हुक्म है, कुर्बानी करते हैं। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसके करने का हुक्म ना हो और हम ना करते हो? तो मतलब उसमें जो गलत बात लिखी है वो भी आप मानोगे? तो उसमें कौन सी गलत बात लिखी है? गलत साबित तो करें भाई, गलत साबित तो करें यार। साबित क्या करना? साबित ये कि काफिर को जहां पाओ मार दो, क्यों मार दो? अब मैं आपसे अभी तक हमने कितने काफिर मारे?
वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे मान लीजिए रोजाना, ये आपको ये सवाल नहीं नहीं, ये एक जेन्युइन सवाल है कि भाई मुसलमान जो है, अरे मेरी बात को सुन लीजिए, अब मैं समझाता हूँ देखें, ये सवाल आपके जहन में लामहाल आना चाहिए कि मुसलमान जो है कुरान को ये कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं है, हम हर बात मानेंगे, लेकिन यार इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, और मारते हैं नहीं, ये क्यों नहीं मारते? कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है ना? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि नहीं, एज ए रैशनल ह्यूमन बींग? तो ठीक है, मैं वही ना बोल रहा हूँ सर, मैं इसका मतलब ये है कि ये जो आयते हैं कुरान में वो बैकग्राउंड बाउंड है, उनका उनका एक पसे मंजर है, उनका एक खास बैकग्राउंड है, वो आम मुसलमानों के लिए, वो मेरे लिए नहीं है कि मैंने आपको देखा और निमटा दिया, मेरे लिए हराम है। ठीक है, ये जो जिन आयतों का जो पसे मंजर है वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, एक इस्लामिक स्टेट, उसका हुक्म, उसको सबसे पहले हुक्म ये है कि भाई आपको ये इख्तियार है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर वो आपके साथ मुआहिदा करके रह रहे हैं पीस का, तो ठीक है आप रहिए। कुरान करीम ने सूरह अनफाल में ये हुक्म दिया कि इदा जनहु लिस्सल्म फजनह लहा वतवक्कल अलल्लाह, कि अगर वो अमन के लिए झुके तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी अमन के लिए झुकना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लें दो कौमें या दो मुल्क साथ में रहना चाहते हैं, रहें अमन के साथ रहें, कोई मसला नहीं है, मुआहिदा करके रहें जैसे आज पूरी दुनिया मुआहिदा करके रहती है यूनाइटेड नेशन के तहत, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और दुश्मनी पर उतरा हुआ है और उसने अपने दहशतगर्द आपके मुल्क में उतार दिए, तो क्या करेंगे आप? तो आप यही कहना चाहते हो ना कि उस वक्त जंग चल रही थी इसलिए मारने के लिए? नहीं, मैं आज भी कहूंगा, मैं कह रहा हूं आज भी अगर मान लीजिए इंडिया में, मिसाल के तौर पर इंडिया में उसका कोई दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वहां से दहशतगर्द इंडिया में उतरकर सड़कों पे फिर रहे हैं, तो क्या करेगी इंडियन आर्मी? ओके, तो बेसिकली यही बोल रहे हैं ना कि जंग के लिए, जंग में काफिरों को मारना जायज है, जंग में जंग दुश्मन को मारना जायज है, जंग में आप नास्तिक हैं, आपको नहीं पता कि क्या उसूल है नास्तिकता में, आप अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते, ये आपसे लड़े, आपको वो आयत पता हजरत, ये एक आयत आपने तो बड़ी जबरदस्त पढ़ दी, एक आयत है कुरान के अंदर नास्तिक भाई, कातिलुल्लज़ीना युकातिलूनकुम, कातिलुल्लज़ीना युकातिलूनकुम, उनके साथ झगड़ो जो तुमसे झगड़ते हैं, डिफेंस, सिंपल सी बात है, बिल्कुल कुरान की आयत उन्होंने बताई है, इसकी प्रीसीडिंग आयत तो यही है ना सर, ठीक है, अब बात डिफेंस पे आ गई है, आपने बोला कि डिफेंस के लिए लड़ना जायज है, गर सही है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, अब बात सुनिएगा, सुनिए, हाँ ठीक, आपने कहा डिफेंस के लिए, तो ये आप एक मिनट यहाँ से आगे बढ़ते, आप कह दें कि ये गलत है क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट था वैलिड होगा, अगर आप इसको मान रहे हैं तो अगली बात नहीं कर सकते, आप मान रहा हूँ ना सर, हाँ अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, अब बात डिफेंस की आ गई है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली जंग दुश्मनों ने की होगी मोहम्मद साहब के ऊपर, और भाई अगर इतिहास उठा के देखें तो एक भी जंग ऐसी नहीं मिलती है जिसमें मोहम्मद साहब ने डिफेंसिव जंग लड़ी हो। अच्छा एक मिनट, ग़ज़वा अहज़ाब पता है? अब आपने कहा ना एक भी, अभी आपका कैटेगोरिक मैं उठाऊंगा, पहली पे भी आऊंगा, आपने कहा एक भी नहीं हुई, ग़ज़वा अहज़ाब कौन सी जंग है? नहीं पता, इतिहास इन्होंने उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं है, इन्होंने इतिहास किसी पर्चे का नाम रखा, उसको सर पे रखा हुआ है, मेरी बात मौका दे, आमिर भाई मौका दे, ग़ज़वा अहज़ाब का इनसे पूछ के खामोश हो जाएं जब तक ये इधर बताते नहीं है, यही कहते नहीं है कि इन्हें पता नहीं, बताएं जी ग़ज़वा अहज़ाब, नहीं पता, अरे बोलने का मौका देंगे तब ना, नहीं पता बोल तो रहा हूँ, हाँ तो इतिहास जो उठाया है वो कौन सा, 200 सफ़े का है या 500 का है? दो लाइन का, वो भी एक मुस्लिम की लिखी हुई, अब ग़ज़वा अहज़ाब का नहीं पता, अच्छा आपको पता है जो बनू कुरा, जो ग़ज़वा खैबर हुआ है वो क्या हुआ है, पता है उसका? नहीं, बनुल मुस्तालक पता है आपको? ग़ज़वा बनी मुस्तालक पता है आपको? नहीं, बस तो फिर क्या करें, अब आप कह रहे हैं एक भी नहीं हुआ ऐसा जिसमें डिफेंस के लिए हुआ हो, अरे आपको कौन सी थी? मैदान बदर जो है वो, अब चले पहली पे आ जाता है, मैदान बदर जो है वो मक्का में है, नहीं पता,
वो भी नहीं पता। अरे आप ये तो बताइए मोहम्मद साहब की सबसे पहली जंग कौन सी थी? एक मिनट इसका जवाब दीजिए ना, मैदान बदर कहाँ है? मक्का में? मुझे नहीं पता। मैं बोल तो रहा हूँ मेरे को इस्लाम की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ। आप मेरा मजाक बना रहे हो, लेकिन मैं इधर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया हूँ बस। नहीं 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 नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं। नास्तिक मेरी बात सुनिएगा, बड़ा हौसले से सुनिएगा ना, आपका मजाक उड़ाया। आप खुद पीछे जाकर सुनिएगा, पब्लिक जनता सुन रही है। आपने जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट रखा है, आपने कहा इतिहास उठा के देखिए, कैटेगोरिकल और इतनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आपने दी कि गोया यूं लगता है आप पूरी सीरत और तारीख की किताबें पी के घोल के हजम करके बैठे हैं। हमें तो ये लगा कि आपके पास घनी ज्ञानी है आप, मगर आपने कहा आपको पता नहीं। हाँ तो आप नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। आप ये कहते हैं कि भाई मैंने ये मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को इस्लाम की ज्यादा कोई समझ नहीं है, मैं बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको पास आया हूं। सही है बहुत अच्छा। कैसर भाई, गज़वाए बदर के ताल्लुक से आप कुछ ऐड करना चाहें ताकि हमारे भाई के इल्म में इजाफा हो जाए। जी, इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे पूछता हूं कि लरस से कि जंग हो जाती है यूके की और जर्मनी की, और जंग का जो मैदान है वो म्यूनिख है, तो अब क्या यूके वाले कह सकते हैं कि जर्मनों ने हम पे अटैक किया था? सर से कैसर भाई, इंडिया पाकिस्तान की करवा ले जंग, उधर आसान है। नहीं सर, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी ना। अच्छा चले चले, इस तरह से कर लेते हैं, चले इस तरह से कर लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की अगर हाँ वो तो चले, बड़ा काम बड़ा जबरदस्त हो गया ना। अभी ये जो आपका जो है इराका कश्मीर का जो अभी चाइना के पास है, लद्दाख का इलाका है, अब हम ये कह सकते अगर चाइनीज ये कहें कि इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया है, तो ये क्या एक्सेप्टेबल बात होगी गिवन द फैक्ट के लद्दाख पे आके चाइना ने कब्जा किया, लड़ाई जो हुई वो भी लद्दाख में हुई? जी भाई नास्तिक बोले। जी जी ठीक है, तो मतलब आपका कहने का है कि डिफेंस के लिए है ना, काफिर को मारने का मतलब ये है कि बदर जो है मक्का में नहीं है, लश्कर मक्का से जल के गया था अटैक करने के लिए, और लड़ाई बदर के हुई थी, चाहे बदर के पास वो मदीना के पास है। तो जब आप कहते हैं ना कि एक भी जंग ऐसी नहीं हुई प्रॉफिट की जो डिफेंसिव हो, तो आपसे जितनी पूछी जा रहे हैं वो सारी की सारी डिफेंसिव निकलती आ रही हैं, तो फिर आप इतना बड़ा क्लेम देखें, आप ना क्लेम करें ना, आप कहें मैं जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा है ना कि मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती करने वालों के ऊपर अपनी तरफ से मतलब अटैक किया था। ये देखें, अगर ऐसा होता ना नास्तिक भाई, तो मुसलमान इस वक्त सारी दुनिया में बुत परस्तों के ऊपर अटैक ही कर रहा होता, आप कुछ ना कर पाते। क्योंकि और आप अच्छा, हिंदू जो हमारे इंडिया में बसने वाले बुत परस्त हजरात हैं, बुतों की पूजा करने वाले, यह लफ्ज मैंने खास इसलिए बोला है क्योंकि बुत परस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी थे, आइडल वर्शिपर्स, तो उनको तो ये एतराज करना ही नहीं चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक जमाने में 900,000 साल तक मुस्लिम रूल में रह चुके हैं। आप ये कह दें कि मैं जी आज आपके पास ताकत नहीं है, भैया तो पहले तो थी ना, 1,000 साल तक थी, तो 1,000 साल में आखिर क्या वजह थी कि मुसलमानों ने कुरान के इस हुक्म पर अमल नहीं किया? अगर ये कुरान का हुक्म था तो इस पर अमल होना था। इसका मतलब ये कि कुरान का जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, आप देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हिस्ट्री तो गलत नहीं हो सकती ना, कि इंडिया में ही बहुत सारे मुगलों ने आके कितने सारे मंदिर जलाए, तक्षशिला को जला दिया। देखिए, मैं अब हिस्टोरिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है मेरे लिए, इसलिए कि इसको इतनी मतलब डिबंक कर चुके। पॉइंट ये है कि अगर ये हुक्म ये होता कि मुशरिक को जहां पाओ वहां मारो, तो क्या सारे हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हो गया था? अगर हजार मंदिर थे, 1,000 में से 100 गिरा दिए, तो हम तो सवाल ये करते हैं कि 900 क्यों नहीं गिराए? अगर ये हुक्म था, आज भी आप पूरे जी मेरे सुन लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें मुसलमानों की तादाद एक कर ले, मसलन एक मान लें,
उसके बावजूद भी गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। तो इसलिए तो अभी कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो और कुछ नहीं हुआ तो ये तादाद ज्यादा है ना, ये समझा रहे हैं। अच्छा ये है नास्तिक, आपको ना माजरत के साथ आपने आके बहुत बड़ा क्लेम किया। मेरा भाई अभी आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा, फिर आप ब्लैंक होके कहोगे मुझे नहीं पता ना मुझे बता, तो भैया आपको नहीं इतिहास का पता, आई एम रियली सॉरी। अभी मैं आपसे पूछूं एक सवाल और, ये तो बदर जंगे बात बहुत हुई है, मुझे ये बताओ वो क्या जरूरत पड़ी थी मक्का को छोड़ने की, मुझे बताओ। अरे भाई मैंने इतना ज्यादा इसका मतलब ये है, आप पूछने आए थे ना, आपका अंदाज पूछने वाला नहीं था, नेक्स्ट टाइम आइएगा पूछने के लिए। मक्के से निकलना ही साबित करता है कि वो सारे का सारा प्लान डिफेंस था। अगर 13 साल तक वो लोग, इतनी बुनियादी ये चीज है ना कि जिसने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बता सकता है कि 13 साल तक वो लोग सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे हैं मजबूरन। जब उनको काटा गया, पीटा गया, निकाला गया, उनके ऊपर जमीन तंग की गई, उनका कारोबार बंद किया गया, शेबे अभी तालब के 2.5-3 साल उनके ऊपर दवाइयां, खाने पीना, पानी, रिश्ते नाते, कारोबार, तजारत, हर चीज बंद कर दी, इबादत के दरवाजे बंद कर दिए, रोड पर नमाज पढ़ते थे इसी तरह जिस तरह आज का हम इंडिया के अंदर वाकया देखते हैं, उनको थप्पड़, ओजरी, उनको धक्के, पत्थर मारने, कंकर, ये सारे हुए। मेरा भाई इससे बड़ी कोई दलील नहीं है कि मुसलमानों ने जो आवाज उठाई अपने डिफेंस में उठाई, वरना मक्का में ही रहते और वहां लड़ते ना। आपको, आप निकले हैं, बहुत शुक्रिया। इतिहास पढ़ लो, एक्स मुस्लिम से ना पढ़ो ना किसी और से सुनो, खुद पढ़ लो।